हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ होटल रेनोवेटर। ओके गाइस, वापस आ चुके हैं हम लोग अपने 5-स्टार होटल में एंड आज फाइनली वक्त आ चुका है अपने लॉबी को, अपने रिसेप्शन को पूरी तरीके से रेनोवेट कर देने का। तो गाइस, अपने लिए कुछ नया इवेंट आया है, अपने को डांस फ्लोर जाकर रेनोवेट करना है, जो अपना पार्टी रूम है वो रेनोवेट करना है। एंड आई थिंक ये वन टाइम इवेंट ही है, तो आई थिंक अपने को कर लेना चाहिए। भाई चलते हैं भाई अपने डिस्को रूम पे। किधर है डिस्को रूम? अपन थोड़ी देर के लिए भटक गए गाइस टॉपिक से, बट करेंगे गाइस, लॉबी रेनोवेट करेंगे। अरे चचा हेलो, वेयर इज आवर डिस्को रूम? भाई मेरे को डिस्को रूम बता दो। ओ फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है गाइस, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, बेसमेंट में एक्चुअली में सबसे नीचे। अच्छा है भाई, अब ऊपर जगह बच गई अपनी, ऊपर कुछ नहीं करना पड़ेगा। हेलो, ओ भाई साहब काफी बड़ा एरिया है, तो देख रहे हो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, बट अपन जरूर करेंगे इसको। तो गाइस देख लो, बिफोर ऐसा दिखता है। अभी यहाँ पे सारी चीजें तोड़ेंगे हम, पियानो रखा है, काफी सारे टेबल्स हैं, ये रहा अपना स्टेज जहाँ पे लोग परफॉर्म करेंगे। चलो गाइस तोड़ने से चालू करते हैं हम लोग। एक्चुअली मैं अपन बेचने से बेच भी सकते हैं क्या? अच्छा अपन डायरेक्ट डिस्पोज कर सकते हैं। बेचने वाली यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से, पेंटिंग भी नहीं है, बेचने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है, तो ये सही है भाई, अपन कुछ वैल्यूबल ऐसा बेच नहीं रहे। तो हम लेते हैं गाइस अपना हथौड़ा एंड काम पे। मैं किधर देख रहा था, मैं भूल गया कैमरा किधर है। एंड काम पे लग जाते हैं। ओके ओके गाइस, यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रेडी कर लिया है भाई। करीब आधा घंटा लग गया यार, इतनी बड़ी जगह थी, सब कुछ हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये लाइट्स मैंने अभी डिस्ट्रॉय नहीं किए क्योंकि यहाँ पे लाइट्स नहीं है, तो उनको डिस्ट्रॉय करने से पहले मैं यहाँ पे एक लाइट लगाना चाहता हूँ भाई, ताकि अपने पास अच्छी खासी रोशनी रहे। डिस्को एंड क्लब फर्नीचर सेट, ओ भाई ये लगाते हैं पहले, तो ये तो सबसे बढ़िया चीज है। अरे यार इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, चलो इसको तो हटा ही सकते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ओके बीच में रख जाएगी तब। ओए होए होए होए, ये बढ़िया चीज है भाई। ओके तो हम लेते हैं, बाकी सारी चीजों को रिमूव करते हैं। चलो सारी लाइटें गई एंड अभी 99% क्यों है भाई ये? The next day. ओ भाई उधर कोने में एक छुपा हुआ था, हद हो रखी है भाई। मैं डर गया भाई कि फिर से करना पड़ेगा। क्या बग आ गया? चलो कुछ नहीं आया लेकिन बग, नो बग गाइस। झाड़ू लगा देते हैं यहाँ पे फटाफट से, ये बढ़िया झाड़ू है यार। ये YouTube चले ना चले, स्वीपर की नौकरी तो मिल जाएगी। आसान काम नहीं रहता भाई, बहुत फिजिकली डिमांडिंग टास्क है वो। ओके कचरा तो यहाँ पे भाई अपन ने साफ कर दिया है। नाउ टाइम फॉर कवरिंग। मेरे को एक्चुअली में सीलिंग तोड़ना नहीं था, बट स्टिल मैंने तोड़ दिया क्योंकि ये हो नहीं रहा था। ये देखो अभी भी एक यहाँ पे बच गया है भाई, गजब है। चलो फ्लोर देखते हैं भाई, कुछ स्पेशल फ्लोर है क्या हमारे लिए? देखो सेरेमिक तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो काम आएगा, तो वुडन ही एक अपने पास अच्छा रास्ता है। ओ सब में एक साथ नहीं होगा क्या यार? देखता हूँ मैं कुछ अच्छा, ये नया आया है एंड ये अच्छा भी लग रहा है। ओके मैं सोच रहा हूँ ना डांस फ्लोर को अलग करूंगा, तो अपन पहले ना यहाँ से अपना फ्लोरिंग करना चालू करते हैं, बाकी फिर डांस फ्लोर के लिए देखेंगे। अच्छा मैं थोड़ी और लाइट लगा देता हूँ यार, लाइट इधर नहीं है, इधर एक और इधर ये लगा देता हूँ, और एक और इधर, और एक और इधर, और एक इधर। अब हुई ना लाइट यार, अब सही लग रहा है। चलो भाई ड्रॉ कर लेते हैं पूरे में। एक्चुअली मैं पहले मैं सब में ड्रॉ कर लेता हूँ, देन अपन चेंज करते रहेंगे डिज़ाइन के हिसाब से, जैसा अपने को जहाँ चाहिए वैसा अपन चेंज करेंगे। मे बी मूड बदल जाए ना करूँ तो मेहनत बच जाएगी बाद में। ओ भाई साहब पिछले 5 मिनट से मैं माउस होल्ड करके बैठा हूँ, हाथ लाल पड़ गया मेरा, उंगली। फाइनल पीस गाइस एंड इसके बाद अपन एक बढ़िया सा टाइम लैप्स देंगे आपको ये बनते हुए। हो गया, अटक गया, ब्लास्ट हो गया गेम। एंड डन भाई, हालत खराब लेकिन क्या चमक रहा है भाई हमारा डांस फ्लोर, हमारा डिस्को रूम क्या चमक रहा है। एंड अभी तो भाई ये सिर्फ फ्लोर ही किया है अपन ने,
अभी तो पूरे ये वॉल्स कर रहे हैं ये पिलर्स के साथ। चलो काम पे लग जाते हैं भाई। वॉल्स कुछ स्पेशल है? वॉल्स के लिए कुछ बढ़िया सा है यहाँ पे? एक्चुअली में बढ़िया बढ़िया वॉल कवरिंग्स है इधर, तो ये लगा सकता हूँ मैं। ये अपन ने वहाँ लगाई थी। एंड कुछ अलग चाहिए यार, स्टैंडर्ड वुड पैनल। ओ इस वाले पे ये लगाता हूँ, ये मेरे को अच्छा लग रहा है काफ़ी। आई मीन लगने के बाद अच्छा लगना चाहिए, अभी तो ठीक लग रहा था। देखते हैं कैसा लग रहा है जब तक अपन दूसरे पे काम करेंगे। वॉलपेपर पैटर्न्स नहीं, पैटर्न नहीं लगाऊंगा मैं, हर जगह एक करना चाह रहा हूँ। ग्राफिक्स बढ़िया लग रहा है यार। एक्चुअली में अपन यहाँ पे चाहे तो बार बार ऐसा कुछ अपना बना सकते हैं ड्रिंक्स के लिए। इसके साथ ये पैटर्न कैसा लगेगा? आई थिंक सही लग रहा है यार। पहले अपने को पता चल जाए ना वहाँ लगेगा क्या एक्चुअली में, तो अपन ज्यादा अच्छे से बना पाएंगे उसको फिर। चलो बाकी चीजों को मैं किस चीज से पेंट करूँ, आई थिंक पेंट ही कर देता हूँ। यहाँ पे पैटर्न वटन तो है बट वो जमेगा नहीं यार डिस्को के हिसाब से। हाँ मे बी एक इस पे जम जाए, लेकिन डिस्को जैसा कुछ है यहाँ पे। ओके तो गाइज मेरे को एक बढ़िया पैटर्न मिला है, एक बढ़िया वॉलपेपर मिला है जो कि अपने डिस्को थीम से काफी ज्यादा अच्छा मैच करेगा, तो मैं इसको लगा के देखता हूँ। एंड एक्चुअली अपन इसको सिर्फ दो ही दीवार पे लगाएंगे, एक इधर पूरे इस दीवार में एंड उस साइड पैरेलल क्या बोल रहा हूं मैं, स्लिप हो जाता है स्ट्रिंग टंग कभी कभी फिर से यार। ओके तो अपन इसको यहाँ पे लगा देते हैं, देखते हैं अच्छा लगेगा कि नहीं। मेरे को आप कमेंट करके बताना भाई कैसा लग रहा है ये। देन चाहे तो अपन चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार यहाँ पे क्या है कि सारा सामान लग जाएगा ना, तब जाके अपने को अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे क्या चीजें लगानी है। ओके ये तो यहाँ पे लग गया, वेरी नाइस। इधर भी लगा देते हैं। एक सेकंड, क्या मेरे को इससे अच्छा वॉलपेपर मिल गया? अरे यार ये सब तोड़ना पड़ेगा क्या? हट जाओ, जितने पैसे लगे अपन अच्छे वॉलपेपर के लिए जाएंगे। तो कैसे अपन ने ये वॉलपेपर्स लगाए थे यहाँ पे, बट मेरे को लग रहा है कि मेरे को इससे अच्छा वॉलपेपर मिला है जो कि काफ़ी सही और फंकी टाइप का लगेगा यहाँ पे, एकदम डांस फ्लोर से मैच करेगा अपने। कैसे आप लोग बताना, लेफ्ट वाला वॉलपेपर या फिर राइट वाला वॉलपेपर, विच वन इज बेटर? आई थिंक गाइस मैं लेफ्ट वाले के साथ जाऊंगा क्योंकि उसके कलर्स मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, प्लस ये कुछ ज़्यादा ही डार्क और वो हो जा रहा है उसके सामने, तो वो ज़्यादा मेरे को बेटर लग रहा है। तो अपन फटाक से तोड़ते हैं एंड यू गए और यू आए। ओके भाई ये काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। चलो अब मैं पिलर्स के लिए भी देख लेता हूँ भाई, पिलर्स के लिए कुछ अच्छा डिज़ाइन है अपने पास। ओके गाइज मेरे को एक पिलर का डिज़ाइन पसंद आया है, जियोमेट्रिक पॉलीगन पैटर्न। एंड आई थिंक मैं इसमें कलर्स के साथ करूँगा, जैसे कि यहाँ पे अपन पूरा ब्लू कर देते हैं इन दोनों पिलर पे, वहाँ पे भी दोनों पिलर पे करेंगे। जो बीच के पिलर हैं उनको मैं ग्रे वाइट या ऐसा कुछ करूँगा, तो मस्त लगेंगे ये भी। चलो इनको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके ये बढ़िया लग रहे हैं भाई, ये बहुत मस्त लग रहे हैं। ओके इधर तो ये लग गए, और जो अपने यहाँ के लिए हैं बीच वाले पिलर उन पर अपन वाइट कर देते हैं। पैटर्न तो सेम रहेगा लेकिन कलर्स काफ़ी बढ़िया हो जाएंगे यहाँ पे। चलो ये एक पिलर था भाई, अभी तो ऐसे 6 पिलर और हैं। ओके गाइस सारे पिलर्स भी कंप्लीट हो गए। शायद से अपने ब्लू वाले पिलर्स थोड़े अलग लग रहे हैं, बट मैं पहले सब डेकोरेट करना चाहता हूँ, सारी चीज़ें लगाना चाहता हूँ, देन मैं देखूंगा कि कुछ अलग या ख़राब तो नहीं लग रहा है, तब अपन उस हिसाब से चेंज करेंगे। आप लोग मेरे को कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि भाई कैसा लग रहा है सब कुछ। बाकी जो अपने बचे कुछ वॉल्स हैं उन पर मैं ये सेम करना चाहता हूँ ताकि एक जैसा डिज़ाइन हो जाए हर जगह। तो ये अपना वॉल कवरिंग था मेरे ख्याल से, जी हाँ वॉल कवरिंग मिल गया मेरे को, इसको यहाँ लगा देते हैं। ओके भाई ऑल डन। काफ़ी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें लगाई हैं अपन ने, काफ़ी अलग करने का ट्राई किया है, होपफुली अच्छा लग रहा हो। बस ये दीवार रह गई यार, ये कैसे रह गई? एड डिस्को इक्विपमेंट, तो अपने को 10 डिस्को इक्विपमेंट डालने हैं, देखते हैं भाई अपने लिए क्या क्या है। ओके लाइटिंग है, काफ़ी सारी लाइटिंग। ओह डिस्को लाइटिंग, डिस्को वाली लाइट मिल गई। ओहो भाई डिस्को फ्लोर भी है, ये तो बढ़िया मिल गया मेरे को। अपन पूरा ना डिस्को फ्लोर यहाँ पे बनाएंगे, देखो एक यहाँ लगा दूंगा मैं, दूसरा उसके साथ यहाँ पे लगा दूंगा। ओ भाई ये तो पूरा सेट हो गया अपना डांस फ्लोर। अरे एक्चुअली मैं इसको हटा के, इस चीज़ को हटा के, इस बड़ी सी लाइट को हटा के यहाँ पे अपन लगाएंगे अपनी वो बॉल वाली लाइट, कहाँ है? ओके एक ये है। ओ कलर चेंजिंग, भाई कलर चेंजिंग तो चाहिए। ओ भाई साहब ओके थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा बीचों बीच लगाना है मेरे को। अरे बेच क्यों दिया यार, मूव करना था। पास परफेक्ट भाई, बहुत मस्त लग रहा है। पीछे ना एक्चुअली में मैं कुछ वॉलपेपर या फिर डेकोरेशन या फिर पेंटिंग या ऐसा कुछ लगा दूंगा ताकि एकदम सेट बैठ जाए माहौल। ओके अपने को और चीज़ें लगानी है अभी, और क्या चीज़ें लगा सकते हैं? ओके नाइट बार मिला है मेरे को, एक गोल वाला बार भी है। इसको अपन बीचों बीच रखे क्या? नहीं बीचों बीच नहीं, पहले बाकी चीज़ देखता हूँ मैं।
ओ भाई बहुत सही बार मिला है मेरे को। इसको अपन लगाएंगे इस साइड कोने में, ताकि उधर अपना डांस फ्लोर रहे एंड इधर लोग पीने खाने पीने आ जाएं। यार इस गेम में स्नैपिंग क्यों नहीं है, इतना सा गैप रह ही जा रहा है। कोई बात नहीं भाई, अब कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं भाई DPI कर दिया हूँ 200, नहीं 200 नहीं, एक्चुअली मैं 400 किया हूँ, और इसमें गेम में भी बहुत कम कर दिया हूँ, तब भी नहीं आ रहा यार सही से। ओके ओके, वैसे अपनी सारी चीजें हो गई और $50,000 मिल गए फोकट के। हेलो जी, ओके वेरी नाइस। चलो यहाँ पे हम ये लगा देते हैं, कुछ और काउंटर्स लगा देते हैं, देन मैं बाकी का और डेकोरेशन भी लगाऊंगा भाई, अभी ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे यार। ओके भाई, अपने बार कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे अपने को कुछ चीज़ें लगानी पड़ेंगी, ड्रिंक्स और बाकी सारी चीज़ें, तो वो मैं देख लेता हूँ अपने पास कुछ अच्छा अच्छा डेकोरेशन है क्या इसके लिए। ओ वैसे सबसे पहले अपन चालू कर सकते हैं टेबल लगाने से, टेबल नहीं यार कुर्सी, मैं भी क्या कन्फ्यूज़ होके बोल रहा हूँ। तो अपन यहाँ पे गैप दे दे के, एक्चुअली मैं यहाँ से चालू करूँगा, मैं वहाँ पे अपना ऐसा कुछ कॉफ़ी मशीन है ऐसा कुछ रहेगा, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन इधर 3 लगा देता हूँ, 3 या 2 जितने भी आ जाए 3 आ जाएंगे। ओके भाई साहब मस्त लग रहा है तो। ओके इसके ऊपर अपन क्या रख सकते हैं, अब सोफा वोफा तो हटाओ यार, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। ओ भाई नियॉन साइन ये तो चाहिए, और नियॉन साइन है काफी, इनको मैं बाद में देखूंगा। अपने पास यहाँ पे ड्रिंक्स हैं, बट एक दो ड्रिंक्स अपना काम होगा नहीं। डीजे कंसोल भी है भाई इधर तो, डिस्को मिरर, ओ ओ ओ ओ ओ ओ डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ लगाऊंगा, यहीं लगेगा ना वैसे, आई थिंक यहीं लगना चाहिए, पता नहीं अच्छा लग रहा कि नहीं बट मैंने तो लगा दिया। काफी सारे स्पीकर हैं, डांस फ्लोर है। ओके तो यहाँ पे मैं ड्रिंक्स लगा देता हूँ सबके लिए, जो जो बंदा एक एक बैठेगा उनके लिए अपन कॉकटेल सोडा ये सब लगा देते हैं। ओके वैसे साफ सफाई बची हुई है भाई, इधर साफ क्यों नहीं है अभी सब चीजें, अब भी साफ करके देते हैं भाई। ओके ऑल क्लीन ऑल क्लीन, ये रहा गाइस अपना बार। यहाँ पे यार चीजें यार कम पड़ रही हैं, एक्चुअली में अपन एक स्पीकर तो यहाँ लगा ही सकते हैं है ना, स्पीकर तो जरूर रह पाएगा यहाँ पे एक। और डेकोरेशन में अपन एक और नियॉन लाइट लगा सकते हैं, और ये वाला ज्यादा अच्छा है एक्चुअली में, अलग कलर का है क्योंकि। तो भाई ये अपना बार बन गया, बार में ये बनने करीब 15 मिनट लगा दिया है, बट अभी मेरे को बाकी चीजें भी बनानी है। डांस फ्लोर भी अपना रेडी है भाई, यहाँ पे अपन डांस कर सकते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा। तो नेक्स्ट मैं लगा देता हूँ, देखो बार तो हो गया, बार काफी हो गया, यहाँ पे मैं एक्चुअली में ऐसा सोफे ओफे लगा देता हूँ। सोफे मेरे को चाहिए इस तरफ, अच्छा नहीं अपन इसी तरफ लगाएंगे, मैं क्या सोच रहा था कि अपन डीजे इधर लगाएं, लेकिन डीजे अपन उस साइड लगाएंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे मैं सोफे लगा देता हूँ, सोफे अपने पास हैं अच्छे अच्छे कर्व सोफा, हाउ अबाउट कर्व सोफा, ये बढ़िया लगेगा, हाँ डार्क बढ़िया लगेगा यार। चलो कर्व सोफा वहाँ पे लगा दिया अपन ने, उसके लिए अपन एक टेबल लगा देते हैं। वेयर इज माई टेबल, ये लगा दिया टेबल, कलर मैच करना पड़ेगा यार अपने को। यहाँ पे 2-4 ड्रिंक्स मैं पटक दूंगा बाद में, अभी बाकी चीज़ें और डेकोरेट कर लेते हैं अपन, और रैंडम डीजे इक्विपमेंट यहाँ वहाँ लगा देते हैं, उधर भी लगा देंगे, बट भरना है भाई स्पेस भरना है अभी तो। हाँ एक्चुअली स्पीकर तो चाहिए अपने को, इतनी जगह खाली भी रहेगी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि डाइनिंग टेबल्स भी लगे हुए थे काफ़ी सारे, एंड आई नो कि इसका थीम नहीं है बट अच्छे लगेंगे मेरे ख्याल से, एक बार ट्राई करके देखते हैं अपन 4-5 जगह पे डाइनिंग टेबल लगा के। ओके ओके ओके, डाइनिंग टेबल जमेगा नहीं क्योंकि अपने पास अभी वो रेस्टोरेंट वाला सेट अनलॉक हुआ नहीं है, तो मतलब नहीं हो लगाने का, तो मैं डिस्को वालों के साथ ही जाऊंगा भाई, डिस्को वाली चीज़ों के साथ ही। ओ व्हाट इज दिस, ओ भाई साहब ये तो लगाना बनता है, ये तो मैं लगाऊंगा, इस कोने में लगा दूंगा भले ही। ये सब क्या क्या चीजें आ गई भाई, काफी फ्यूचरिस्टिक सेट है ये। ओ भाई यहाँ पे तो अपन डेकोरेशन ही डेकोरेशन कर सकते हैं खूब सारा, वो मजा आने वाला है। देखो मेरे को क्या मिला, पता नहीं अजीब लगेगा कि अच्छा, बट काफी अलग चीज है ये, सही लग रहा है, आई थिंक सही लग रहा है। तो अपन काम करते हैं ना, ऐसे 3-4 छोटे मोटे सोफे लगा देते हैं जो यहाँ पे अच्छे लगे, और उनके बीच में टेबल लगा देंगे, तो भाई पार्टी चलेगी बहुत भयंकर, पार्टी हो रही बहुत भयंकर, पार्टी के गजब नजारे। तो गाइस मैंने कुछ और डेकोरेशन लगाए हैं यहाँ पे, जैसे कि अपने सोफा टेबल, यहाँ पे लाइट लगाई है जो कि एक्चुअली में भाई कोई भी कलर हो सकता है, तो बहुत शानदार लग रहा है ये। और मैं देख रहा हूँ भाई अपन क्या क्या लगा सकते हैं इधर। ओके मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक वहाँ पे 2 तो अपन ने लगा दिए हैं मान के चलो कपल्स के लिए, अब
पार्टी वाले लोग आएंगे तो वो किधर जाएंगे, उनके लिए अपन कोने में इधर लगाएंगे। ओ कोने में, कोने में उससे अच्छा तो अपन ये डिस्को डेज बार लगा दें, ये ज़्यादा अच्छा है। नाइस, देन अपन जो चेयर्स हैं वो यहाँ पे लगा देते हैं। ओके भाई भर दिए अपन ने चेयर्स एक्चुअली में, लेकिन यार भरा भरा ही तो लगना चाहिए यहाँ पे। और नियॉन साइन, एक्चुअली में अपने पास नियॉन साइन इससे बेटर है। आई डोंट नो, चाय सोटा, आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम भी इधर मिलता है, ऐसा कर दें। एक आइसक्रीम वाला लगा देते हैं, एक ही हार्ट हार्ट लगा देते हैं। ओके तो गाइस अपन ने रैंडमली यहाँ पे ड्रिंक्स लगा दिए, आई मीन नॉट सो रैंडम बट ड्रिंक्स लगा दिए भाई। आना है जिसको पीना है पियो, मस्ती करो भाई। बताओ कितनी लाइट्स लगा दी अपन ने एक ही जगह यार, लेकिन बहुत ही शानदार लग रहा है। करीब भाई मेरे को डेढ़ दो घंटे हो चुके हैं रिकॉर्ड करते हुए एंड अभी तक अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मेरे को मज़ा आ रहा है यार ये सब डेकोरेट करने में। अपना घर इतने अच्छे से डेकोरेट नहीं किया है जितना मैं एक गेम में कर रहा हूँ डेकोरेट। अद यार ओके मैंने कुछ और सोफा लगा दिए हैं यहाँ पे, अपन ज़्यादा स्पेस फिल नहीं कर पाए बट भाई काफ़ी चीज़ें तो लगा दी हैं ऑलरेडी अपन ने। बस अब एक डीजे वाले बाबू का जगह बचा है, वो भी मैं लगा देता हूँ। वो लगाएंगे अपन एकदम अपने डांस डिस्को डिस्को वाली जगह के बगल में। वैसे एक से काम हो जाएगा, अरे बीच क्यों दिया, इसको ना अपन पूरा ब्लैक कर देते हैं और इसको रखते हैं बीचों बीच। देन अब मैं इस पर सामान लगाना चालू करता हूँ भाई डिस्को का, तो जो भी है ये लगा दो। ड्रिंक नहीं लगाना भाई, जो भी नहीं ये रुक जाओ, अच्छे से लगाएंगे ना थोड़ा यार। एक और इक्विपमेंट लग गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये बढ़िया वाला आरजीबी वाला। ओके रैंडम नहीं लगा दिया और कितना बढ़िया लग रहा है देखो। अब यहाँ पे डीजे इक्विपमेंट लगा देते हैं जो इस जगह को फिल कर देगा। इसके नीचे नहीं आएगा ना, नहीं ओ नीचे आएगा क्या, नहीं नीचे नहीं आएगा। स्पीकर के लिए ओहो ये तो दीवार पे लग जाएगा, तो इसको मैं घुमा के यहाँ पे लगा देता हूँ ऊपर कर। अच्छा नहीं वैसे नीचे जा गया, सही है सही है, जो हो रहा है भाई होने दो। और बाकी अपन स्पीकर लगा देंगे कहाँ, अपने डीजे वाले फ्लोर पे। ओ भाई साहब अमेजिंग, एक एक डिस्को बॉल इधर भी लगा दे क्या, आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। ओ ये लगा सकते हैं ना, ये हटाओ, अरे भाई 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 ये क्या हो गया, क्या कर रहे हो भाई, ये सब हरकतें मत करो यार, इतनी मेहनत लगी है मेरे को। परफेक्ट भाई, मैंने चार बार ट्राई किया इसको वहां पे लाने का, आ ही गया आखिरकार। ओके भाई जो भी मिसिंग चीज है मेरे को वापस लगानी पड़ेगी। क्या क्या चल रहा है ये, फाइनली भाई यहाँ पे मैं नियॉन साइन देख लेता हूँ अपन कौन सा लगा सकते हैं। एक नियॉन साइन था ना, कॉकटेल है, रॉकेट है, UFO वाला लगा दे क्या, UFO वाला सिंपल सा लगा देते हैं यार, ज़्यादा इधर माथा बच्ची नहीं करनी है, डीजे है सबको पता है वो। ओके भाई चमक गया यार, चमक गया ये तो, इतनी जगह अपन ने खुली छोड़ दी है क्योंकि डांस करेंगे ना लोग। एक्चुअली मैं डांस करेंगे उससे याद आया मैं इतनी चीज़ें लगाता जा रहा हूँ ना मैं पगला जाऊँगा अभी। ओ ये लगा देते हैं, रुक जाओ ये अच्छा लग रहा है यार, ये लगा दूँ क्या, यहाँ पे लोग डांस कर पाएंगे। रेड रेड लगा देता हूँ एक, वो अलग अलग कलर लगाते हैं ना, पिंक, आई डोंट नो, वायलेट, येलो, यस एवरीथिंग कंप्लीटेड गाइस आई थिंक। अरे अरे ये सीलिंग 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 किसने ले लगाई यार, कौन पागल है। ओ आई थिंक मेरे को मिल गया भाई डॉट्स, ये बहुत शानदार लगेगा। प्लस भाई मैं इतना थक चुका हूँ कि अब मैं ये लगा के ख़त्म करना चाहता हूँ, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ों में काफ़ी दिमाग लगा दिया, मेरे ख्याल से ये सही लगेगा। ओके भाई अब जब तक ये लग रहे हैं अपने आप लगेंगे सब, मैं देख लेता हूँ अपने यहाँ पे और क्या चेंजेस कर सकते थे, कर सकते हैं एक्चुअली में। जैसे कि ये जो जगह है थोड़ी ज़्यादा डल लग रही है, ये बड़बड़ बड़बड़ की आवाज़ मैं म्यूट कर दूंगा, कितना बड़बड़ बड़बड़ हो रहा है। ये लाइट्स और दिस लाइट, ये लाइट काफ़ी अच्छी लगेगी यहाँ पे। Oh, I have an idea. I have a good idea, I think. एक दो तीन, तीन के बाद अपन लगाएंगे ये ऐसे घूमती 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 वाली लाइट्स। उधर से भी मैं तीन ले आता हूँ ना, ऐसे तो बराबर हो जाएगा एक। अरे यार इतनी सी जगह क्यों रह गई, अब एक काम करता हूँ घिसका देता हूँ सबको थोड़ा थोड़ा। ओके भाई लुक्स गुड शायद से तो यहाँ पे मैंने एक दिल का साइन भी बना दिया है क्योंकि दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर। रात के 12 बज रहे हैं एंड मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं नशे में हूँ।
नहीं मैं नशे में नहीं हूँ भाई, कौन बोल रहा है? वेट अ मिनट, आखिरी, हाँ भाई यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमारा डांस फ्लोर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे लोग अब डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या भाई, काफी ज्यादा ही बसड़ कर दी क्या अपन ने उधर। चलो भाई अगर कर भी दी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, ये जगह बस एंट्रेंस है भाई, यहाँ से कुछ नहीं है, ठीक है, सब इधर से चालू होता है। आप इधर आओगे, ये रहा हमारा बार, मस्त बार है, यहाँ पे स्पेशल VIP के लिए बैठने की जगह है भाई, यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता। और यहाँ पे कपल्स के लिए दो, यहाँ पे अपने बैचलर्स के लिए इधर बैठ के पियो, ये भाई अगर 8-10 लोग का ग्रुप आया तो उनके लिए है, इधर अंदर कोई नहीं है, और इधर आके आप डांस कर सकते हो। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, बट सबसे बढ़िया अपना ये DJ वाला है, यहाँ पे DJ वाले बाबू बहुत जल्दी आ जाएंगे एंड नाच गाना होगा भाई। तो मेरे को कमेंट करके बताओ भाई कैसा लगा ये, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या चेंज कर सकते हैं ये मेरे को जरूर बताना, अगर आप लोगों को खराब लगा तो। बट आई थिंक काफ़ी सही लग रहा है, अपन ने सीलिंग भी बहुत अच्छा लगा दिया है, तो चीज़ें काफ़ी सही लग रही हैं यहाँ पे। इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, काफ़ी मेहनत लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना यार, कम से कम हम लोग 500 लाइक से एम करते हैं यार, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो, एंड हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।